चलिए ऊपर आओ, ऊपर नीचे मत रहो, चल जाओ जस्ट गेट पे। ये था गेट, गेट से नीचे को आने को तैयार थे इससे टाइगर। हाँ टाइगर आ गया, जहाँ पे थे गेट कहाँ पे। हाँ अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। दोबारा नहीं आया क्या? दोबारा रोलिंग कर रहा है टाइगर, तुम्हें पता नहीं अभी भी? हाँ अरे है गेट के पास क्या? यहाँ से आ गई वीडियो, वीडियो से नहीं आएगा, कान के सुन के आ रहे अभी नीचे। गेट के पास आया इसका मतलब। पर आप अपने रूम में जाइए सर, आपका रूम कौन सा? ये लॉकेट। हाँ लॉकेट में जाइए आप, तुरंत जाइए बिल्कुल। इतना दूर से टाइगर वगैरह देखना है, थोड़ा दिखा दीजिए। अरे मजा है, वहाँ पे बहुत सारे हिरण घूम रहे हैं, वो देखिए हिरण दिख रहे होंगे आपको। नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक रघुवंशी फिर से अपने चैनल सफारी एक्सप्लोरर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों आज आपको एक नई वीडियो पूरे ढिकाला एफआरएच की सैर कराता हूँ। पूरे ढिकाला एफआरएच में क्या क्या है, कहाँ है, कैसे है, आपको घुमाता हूँ, बताता हूँ। तो ये आगे फर्दर आपको कभी ढिकाला सैर करनी हो ये वीडियो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी। तो चलिए चलते हैं। ये जैसा कि आप देख रहे हैं कैंप ऑफिस है, इसमें डायरेक्टर एसोसिएट डायरेक्टर दोनों का स्टे रहता है और अब यहाँ पे ऑफिस भी है। और ये देखिए यहाँ पे आपको पूरा दिख जाएगा कि कौन कौन से रुकने की जगहें हैं। रेंज ऑफिस है पहले, उसके बाद हटमेंट है, फिर कैबिन्स हैं, ओल्ड एफआरएच, एनएक्स, न्यू एफआरएच, जीएमवीएन कैंटीन की है, और डायरेक्टर हट, डिप्टी डायरेक्टर हट, ये जो राइट में ये डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर का है। और नीचे एलिफेंट कैंप्स भी है, वो अभी सब दिखाते हैं आपको। एम्फी थिएटर है जो अभी चल नहीं रहा है, फिर कुछ इंसिडेंट्स यहाँ पे हुए हैं जिसकी वजह से अभी बंद है। वार्डन हट, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस भी बंद ही है यहाँ पे अभी। सीबी सिंह इंटरप्रिटेशन सेंटर उसका तो अभी देखते हैं चलते हैं। और लाइब्रेरी तो अभी ओपन है, और लॉग हट यानी कि डॉर्मेट्रीज भी अभी ओपन है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे सारी जिप्सीज पार्क होती हैं लेफ्ट हैंड पे, और ये बगल में जिप्सीज के पीछे सोलर फेंसिंग है, सोलर फेंसिंग के पीछे ग्रासलैंड वाला एरिया है। और यहीं पे एक टाइगर ने अभी 3 दिन पहले एक इंसान को मारा है, बट आगे की कहानी मैं आपको बताऊंगा उसमें वीडियोस में। और राइट हैंड पे ये देखिए हमारा ये रिसेप्शन एरिया है, रिसेप्शन के पीछे रेस्टोरेंट है। अभी आपको कोई भी क्वेरी होती है तो यहाँ पे रिसेप्शन पे आपको एक बंदा मिलेगा बैठा हुआ, वो आपकी कोई भी क्वेरी हो वो रिजॉल्व करेगा। कोई भी सिक्योरिटी रिलेटेड इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, उसमें कोई इशू नहीं, वो देख लेगा। इसमें अंदर वॉशरूम वगैरह भी है, अगर आपको यूज़ करना हो तो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, मतलब सेफ़ है। और ये देखिए सामने रामगंगा रिवर, एंड लेफ्ट में ये रेस्टोरेंट है। बहुत ही प्यारा व्यू आता है यहाँ से, अमेजिंग, मज़ा आ जाती है। सुबह सुबह उठ के इधर चाय पियो, बहुत ब्यूटीफुल। देखिए सब लोग आनंद ले रहे हैं इधर का, देखिए जस्ट एंजॉय इट। उधर देखिए राइट में आप, क्या ब्यूटीफुल सीन है। अभी तो पानी बहुत ज़्यादा है यहाँ रिवर में, मई जून के टाइम पे बहुत कम पानी होता है, तब आपको यहाँ पे एलिफेंट्स, टाइगर्स, लंगूर, डियर्स सब मिलेंगे आपको इधर। बेसिकली मतलब हेवन है वाइल्ड लाइफ लवर्स के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं इधर सोलर फेंसिंग भी है, और इसमें मतलब एक मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट रहता है कि जिससे जानवर हट जाएं बट उन्हें कोई हार्म ना पहुंचे। बट ये डेक पे सोलर फेंसिंग नहीं है, क्योंकि मतलब इधर थोड़ा सा एरिया बाहर निकला हुआ है, और रात को तो एकदम से मना किया जाता है कि इधर कोई ना आए। प्रॉब्लम रहती है, रिस्क रहता है कि भाई ना टाइगर तो लेपर्ड ही हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता, जंगल है। इनफैक्ट हम उनकी टेरिटरी में आके बैठे हैं, वो हमारे एरिया में नहीं है, और जब हम शेर के एरिया में आए हैं तो हम अपने रिस्क पे हैं। ये बेटर ऑप्शन यही होगा कि अपनी सेफ्टी हम अपने हाथ में रखें,
देखिए क्या ब्यूटीफुल नज़ारा है, ये पहाड़, ये नदियाँ, ये देखिए, ये सामने जो बिल्डिंग देख रहे हैं वो है एनेक्स। एनेक्स इसमें अटैच बाथरूम्स होते हैं, और एनेक्स के आगे पड़ता है ओल्ड एफआरएच। ओल्ड एफआरएच में ऑफलाइन बुकिंग्स होती हैं और मतलब जो वीआईपी गेस्ट होते हैं वो आते हैं। चलिए सब दिखाते हैं। यहाँ का रेस्टोरेंट है और बुफे सिस्टम है, पर हेड के हिसाब से खाना है। ध्रुव बाबू खाना खा रहे हैं, वहाँ पे खाना लगा और किचन है, और पीछे सब बैठने की व्यवस्था है। तो बुफे सिस्टम में खाना बहुत बढ़िया, और सबसे बढ़िया चीज़ है आप यहाँ बैठ के राम गंगा के व्यू के साथ खाना खा सकते हैं। बहुत ही वेरी नाइस। ये सामने जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये है ओल्ड एफआरएच, और ये लेफ्ट में ये है एनेक्स। यहाँ पे भी कई सारे रूम्स हैं, सब ऑनलाइन बुकिंग होती है, बट ओल्ड एफआरएच की बुकिंग ऑफलाइन होती है। और इधर लेफ्ट में आते हैं तो फिर ये सामने आपको जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है इसमें आपको गैलरी दिख रही है, ये लाइब्रेरी है। इधर कई सारी बुक्स वगैरह हैं, और आपको अगर पढ़ने का इंटरेस्ट हो तो फिर आप इधर आके अपना टाइम यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी मतलब मज़ा आएगी इधर। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये एनेक्स और ओल्ड एफआरएच के बीच में ये जो ये एरिया पड़ता है ये वाला, यहाँ पे नेटवर्क आता है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि पूरे एफआरएच में कहीं नेटवर्क नहीं है, सिर्फ इस एरिया पे है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि लेफ्ट वाला जो पेड़ है, एक्सट्रीम लेफ्ट वाला, उसके बगल वाला ये राइट वाला, यहाँ पे एयरटेल का नेटवर्क पकड़ेगा, एंड उस पेड़ के पीछे जस्ट वहाँ पे जियो का नेटवर्क पकड़ेगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और मज़े की बात है कि बीएसएनएल का नेटवर्क इधर लगभग जगह है, वोडा का नेटवर्क सबसे ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा कि इधर आएँ तो ये सारी चीज़ें अपना मतलब वोडा का अगर आपके पास नहीं हो तो वो लेके आ जाएँ, नहीं तो काफ़ी इशू फेस करना पड़ेगा आपको। अभी चलिए हम आपको दिखाते हैं लॉग हट, वो कहाँ पे है। इधर से स्ट्रेट आते हैं, ये देखिए इधर एक बार देख लीजिए, लेफ्ट में वो गाड़ियाँ हैं। हम लोग वहाँ से लेफ्ट हो गए थे, सॉरी राइट हो गए थे, उधर से आ रहे थे, तो रामगंगा रिवर इधर से क्रॉस करते हुए आया हम, और यहाँ एनेक्स आया, देन ओल्ड एफआरएच, फिर इधर बीच से हम लोग इधर आ रहे हैं। सामने लाइब्रेरी है। तो ये अभी देखिए हम लोग उधर से घूम के आए, पूरा ये एनेक्स पड़ा, ओल्ड एफआरएच पड़ा, अभी ये नेटवर्क वाला एरिया हो गया, यहाँ से आ रहे हैं, ये है ओल्ड कैंटीन, छोटी वाली कैंटीन। इधर आपको मैगी, कॉफ़ी, चाय ये सब मिल जाएगा, छोटा मोटा आइटम। और यहाँ से स्ट्रेट आए तो ये देखिए लॉग हट लिखा है, ये सीधे रास्ता जाएगा लॉग हट को। ये डॉर्मेट्रीज होती हैं, हमने भी खुद से बुकिंग की है तो हमें डॉर्मेट्री मिली है। और ये राइट में हमारे लाइब्रेरी है, अब सारे मतलब बुक्स वगैरह इधर ही हैं। आपको हम एलिफेंट वाला एरिया दिखाते हैं, चलिए। ये सामने देख रहे हैं जैसे कि लेफ्ट में ये एमपी थिएटर है, पहले के अभी मतलब कुछ दिन पहले यहाँ पे होता था, मूवी चलती थी रात को 6:30 बजे, मतलब शाम को 6:30 बजे करीब। आइए दिखाते हैं आपको, बट अभी जो हादसा हुआ यहाँ पे टाइगर वाला, जो इंसान को उसने खा लिया था, खाया क्या था कि हाफ खा लिया था, बाकी छोड़ा था, वो भी तब छोड़ा जब हाथियों पे गनर्स बैठ के गए, तब जाके मतलब उसने किसी तरह छोड़ा था उसको। आपको दिखाते हैं यहाँ पे, इधर राइट हैंड पे जो हट आपको दिख रहा है, इसमें शाम को 6:30 बजे मूवीज़ चलती हैं, मतलब इधर टाइगर का, जिम कॉर्बेट का जो पूरा इतिहास यहाँ पे बताते हैं। लेफ्ट पे वॉशरूम वगैरह भी है यहाँ पे अंदर, बहुत ब्यूटीफुल जगह है, बहुत ब्यूटीफुल, मज़ा आ जाती है यहाँ पे, क्या सुकून है,
सोलर लैंप्स यहाँ पे जगह जगह पे लगे हुए हैं, और ये मतलब स्ट्रिक्टली एडवाइस किया जाता है कि आप अंधेरे में नहीं निकलें। ये ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखिए ऐसा है कि बरसात के बाद जब जंगल खुलता है तो ग्रासलैंड में पानी भर जाता है, और जो हिरण है वो ग्रासलैंड में तो आ नहीं पाते हैं। अब उन्हें चाहिए कि प्लेन जगह, सूखी जगह। वो क्या करते हैं कि इधर से मतलब FRH की तरफ इधर आ जाते हैं और बाउंड्री वो कूद जाते हैं सोलर फेंसिंग। अभी क्या है कि टाइगर को भी खाना चाहिए। अब टाइगर को खाना नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा, वो तो भागेगा ना हिरण की तरफ। हिरण अंदर आ गए, अब क्या किया जाए। तो एक दिन का मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ। इधर एक पर्सन था स्टाफ का, वो मुझे बता रहा था कि हिरण भागे अंदर की तरफ, गेट खुल गया सोलर फेंसिंग वाला, अब टाइगर भी पीछे पीछे आ गया। फिर इधर से क्या हुआ कि फॉरेस्ट वाले फिर गनर्स से कई सारे उन्होंने फायरिंग वगैरह शुरू की, अपने पड़ाके बम मारना शुरू किए, तब जाके वो टाइगर किसी तरह पीछे हटा। बहुत सीरियस है मतलब इधर, अगर आपने थोड़ा सा भी रिस्क लिया ना गए, और मामला आर या पार का है, या तो वो जीतेगा या तो हम जीतेंगे। हमारे चांसेस तो बहुत ही कम है क्योंकि दो दो हाथ तो हो नहीं सकते अब उसके साथ। और दिखाता हूँ आपको, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, टाइगर को गोली से फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारे साथ गनर चल रहा है तो उसे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसको ये अच्छे से पता है कि उसको तो कोई गोली मारेगा नहीं। उसको ये बढ़िया से पता है, वो जो भी करेंगे हवा में करेंगे, और उसको अपना प्रे मिलता है, वो लेके भाग जाता है बढ़िया। आइए आपको एलिफेंट वाला दिखाते हैं एरिया। सबसे मेन गार्ड्स होते हैं पूरे FRH के एलिफेंट्स। टाइगर की इनसे बहुत फटती है, बहुत डरते हैं टाइगर इनसे, क्योंकि भाई बड़े होते हैं ये। कई बार तो यहाँ तक की नौबत आ जाती है कि कुचलने को तैयार हो जाते हैं। जो यहाँ के महावत होते हैं वो कंट्रोल करते हैं इनको। देखिए कितना ब्यूटीफुल है, बहुत बढ़िया। इधर राइट में देख रहे हैं, यहाँ सब स्टाफ के लिए रूम है, तो यहाँ का जितना भी स्टाफ है सब इधर रहता है। कल रात को यहीं पर टाइगर आ गया था इधर राइट में, तो उधर वो जो बिल्डिंग देख रहे हैं सामने, जूम करके दिखाइए आप, वो बिल्डिंग देख रहे हैं, वहाँ से खड़े होके सब बम मार रहे थे टाइगर के पास, जिससे वो भागे इधर से। और फिर हाथी ने भी मतलब चिल्लाना शुरू कर दिया, फिर काफ़ी सीरियस माहौल था रात को। तो उसकी वीडियो आपके पास जाएगी, आप देखिएगा, बहुत सीरियस था। अभी चलते हैं वापस, आपको और दिखाते हैं फिर, क्योंकि भी बहुत बड़ा FRH है ये पूरे। अगर आप धनगढ़ी गेट से एंटर करेंगे तो कई सारे रेस्ट हाउस पड़ते हैं रास्ते में, सुल्ताना गेस्ट हाउस है, और मतलब कई सारे हैं, मुझे तो एग्जैक्टली नाम नहीं याद है, बट सबसे बड़ा ढिकाला है, बहुत बड़ा है ये रेस्ट हाउस। एकदम लास्ट पॉइंट पे ये पड़ता है, और इसके पहले एक गेस्ट हाउस पड़ता है खीना नौली, वो VVIP है। वहाँ पे लाइक एक्टर्स आए, पॉलिटिशियंस आए बड़े बड़े, तो वो लोग रुकते हैं उधर। उधर मतलब नॉर्मल पब्लिक का नहीं है। अभी यहाँ से हम लोग लेफ्ट हैंड पे चलेंगे, और लेफ्ट हैंड पे उधर कैबिन्स हैं, वो भी दिखाते हैं आपको। चलिए आइए आपको लॉग हट दिखाते हैं, डॉर्मेट्री कैसी होती है। ये देखिए ये डॉर्मेट्री है। यहाँ पे एक बहुत सीरियस इशू है, वो है अर्थवॉर्म्स का। अर्थवॉर्म्स बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो थोड़ा सा आए आप तो अपना थोड़ा सेफ्टी के साथ वो हिट वगैरह मार दीजिएगा आप साइड में। और इधर आइए, ये अलमीराज वगैरह हैं यहाँ पे, और कुछ भी चद्दर कंबल चाहिए तो इस वक्त बक्से में रखा रहता है। और इधर वॉशरूम, वॉशरूम क्या मतलब वॉश बेसिन कह सकते हैं, मिरर के साथ हाँ चेंज वेंज कर सकते हैं लेडीज़ अगर आपके साथ। और बस चलिए बाहर चलते हैं। ये यहाँ की पोस्ट ऑफिस है, अभी तो फ़िलहाल क्लोज्ड है, बट देखिए कब ओपन होती है, क्योंकि टाइगर इंसिडेंट के बाद से काफ़ी चीज़ें यहाँ पे बंद हैं, काफ़ी सीरियस मैटर था वो। ये सामने जो आप देख रहे हैं इधर राइट में, ये केबिन C3 है, C3 केबिन, C4 कैट, और इसके आगे C4 केबिन है, देन उसके आगे फिर हटमेंट्स हैं, आपको भी सब दिखाते हैं धीरे धीरे।
अभी जो मैं आपको इंसिडेंट बता रहा था कि हिरण आ गए थे दौड़ के, तो टाइगर भी आ गया था पीछे पीछे, वो इसी गेट से आया था। ये वाला जो गेट आप देख रहे हैं, यहीं से आया था टाइगर। कल रात को भी मतलब जो काफ़ी वो हुआ था, क्योस हुआ था, यहीं पे ही टाइगर आ गया था। फिर लोग बम मार रहे थे फॉरेस्ट वाले। ये देखिए, एक रूम नीचे है इसमें और एक रूम ऊपर है, ये केबिन C3। और एक चीज, जहाँ पे ये सामने कुछ दो लोग बैठे हैं, यहाँ पे भी नेटवर्क आपको मिल जाएगा, केबिन C4 के और हटमेंट के बीच में। यहाँ पे आप आके कॉल वॉल लगा सकते हैं अपने, तो मैसेजेस वगैरह भी कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत नेट भी चल जाता है इधर। अभी ये इसके आगे हटमेंट स्टार्ट होता है, हटमेंट रिवर फेसिंग है, बहुत ब्यूटीफुल। ये देखिए, ये हटमेंट्स हैं सारे, बहुत प्यारे हैं। उधर क्लोज है, उधर से रास्ता निकल। ये देखिए, बंदर भाई अपने साथी भाई का जुआ निकाल रहे हैं बैठ के, धूप है, धूप भी सेक रहे हैं। इनको परेशान मत करिएगा, नहीं तो ये बेचारे आक्रमण कर देंगे। बेचारे तो नहीं है, ठीक बात है, लेकिन अगर आक्रमण कर दिए तो फिर यही कर सकते हैं। आइए, सबसे डेंजरस अभी के टाइम पे ये है, ये गेट। इधर टाइगर की मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, और मैटर ये है कि टोटल 3 टाइगर हुआ कर रहे थे यहाँ पे लेफ्ट में। और हुआ क्या कि उसमें से एक टाइगर को रेस्क्यू करना पड़ा वन विभाग को, कुछ वजहों के से उस टाइगर को रेस्क्यू किया गया। अभी बचे 2 टाइगर, और तीनों मेल थे, ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। तो उसमें से जो बचे 2 टाइगर, वो कहे कि हमारे भाऊ को तो उठा ले गया, अब मुझे मेरा भाऊ चाहिए। अब वो लोग गुस्सा हो गए, और उनके गुस्से की वजह से यहाँ पर काफ़ी मतलब सीरियस मैटर चलता रहता है। बार बार टाइगर इधर नज़दीक आ जाते हैं, ग्राउलिंग करते रहते हैं, तो इसीलिए पूरा एरिया ये बंद हो चुका है। अभी ग्रासलैंड बंद किया गया है अभी, जैसे कि आप देख रहे हैं इधर स्टाफ वगैरह के लिए भी क्वार्टर्स बने हुए हैं। ये देखिए, ये मुझे लग रहा है ये काफ़ी VIP है, जिसका भी होगा, आई डोंट नो, जो ऑफिसर्स का हो सकता है मे बी ये। और राइड में उधर देखिए, ये भी सब क्वार्टर्स हैं यहाँ पे, मतलब रुकने उकने के लिए, मुझे लग रहा है फॉरेस्ट वाले होंगे, उन लोग के लिए होगा। भैया, ये राइट में किसका मतलब रुकने के लिए है इधर? हाँ, अच्छा, और ये वाला स्टाफ के लिए है सब। अच्छा, ड्राइवर वगैरह सब किधर रुके? ये देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे सब स्टाफ वगैरह यहाँ पे रुकता है, ये सारे बने हुए हैं क्वार्टर्स स्टाफ के लिए। अभी चलिए, चलते हैं वापस यहाँ से।